अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फाइवर के प्रोफेशनल गिग्स किस तरीके से बना सकते हैं। फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में मुकम्मल गाइड दिया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करके या यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर आप टैप करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल प्रोफेशनल गिग्स किस तरीके से बनाया जाता है, पब्लिश किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और मुकम्मल वीडियो को देखना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और उधर fiverr.com सर्च करना है। फाइवर पर आपने अकाउंट अगर ऑलरेडी बनाया हुआ तो आपने साइन इन करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो ऊपर आई के बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिख कर आप अकाउंट बनाने की वीडियो को देख सकते हैं। तो एक टैब में आपने स्विचेस बायर रखना है और दूसरे में स्विचेस सेलिंग। यहाँ पे आपको टॉप पर स्विच टू बाइंग या स्विच टू सेलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आपको बिल्कुल ब्लैंक पेज शो होगा और क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन शो होगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आप अपनी नीच के मुताबिक जो भी आप सर्विस सेल करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर सर्च करनी है। मैं एग्जांपल के तौर पर लोगो इंट्रो सर्च करता हूँ। आप अपनी सर्विस के मुताबिक अपना कीवर्ड सर्च करें। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लोगो इंट्रो सर्च करता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ गिग्स ओपन कर लेता हूँ। न्यू टैब पर टॉप रेटेड सेलर के मैं ओपन कर रहा हूँ जो कि फर्स्ट पेज पर रैंक हो रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप 3 गिग्स ओपन कर लिए हैं। तो अब आपने क्या करना है, आई विल के बाद जो भी ये लिखे हुए हैं ये इनके टाइटल हैं। तो हमने क्या करना है कि इस तरीके के टाइटल्स को कॉपी करके, बिल्कुल सेम कॉपी नहीं करना, आपने कुछ यहाँ पर कीवर्ड में थोड़ा सा चेंज करना है। तो यहाँ पर आप जैसे कि प्रोड्यूस लिखा है तो मैं एग्जांपल के तौर पे इसे कट करके क्रिएट कर सकता हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक वेरिएशन में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ वर्ड की जगह न्यू वर्ड लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें वीडियो एंड एनिमेशन, इंट्रो लोगो एनिमेशन। मेरे को लगता है लोगो एनिमेशन मेरी सर्विस को सही डिस्क्राइब करेगा, तो मैंने इस पर क्लिक किया। आप अपनी मर्जी के मुताबिक, आप अपनी सर्विस के मुताबिक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3D लोगो रिवील है, 2D है, तो मैं यहाँ पर इसे 2D रहने देता हूँ। और मेरी जो सर्विस की फाइल फॉर्मेट है वो मैं MP4 MOV फाइल फॉर्मेट मैं अपने बेसिक गिग में दूंगा, तो मैंने यहाँ पर सर्च किया। अब यहाँ पर मेन चीज़ है सर्च टैग। ये इधर आपने बहुत ध्यान से देखना है, ये टैग बहुत अहमियत के हामिल है, बिकॉज इन्हीं टैग की वजह से आपकी गिग्स रैंक करती हैं। तो यहाँ पर अब आप देखें तीनों टैब में लोगो इंट्रो एनिमेशन, लोगो एनिमेशन, ये मिलते जुलते वर्ड ऐसे कीवर्ड है जो मेरी सर्विस में ज़रूरी होंगे। तो मैंने यहाँ पर लोगो इंट्रो एनिमेशन सर्च एक ऐड कर दिया। यहाँ पर आपने तीनों में से कॉमन वाले निकाल के पहले ऐड करने हैं, उसके बाद आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई दूसरा कीवर्ड भी कोई सेम हो, तो यहाँ पर एक कस्टम का, जो कस्टम होता है इसका मतलब बिल्कुल मुनफरिद नया स्टाइल, तो मैं यहाँ पर कस्टम इंट्रो एक लिखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जो बायर होगा उसे अट्रैक्ट करेगा, वो शायद ये सर्च कर रहा हो। तो मैंने यहाँ पर अब एक आउट्रो का एक देखा है मैंने यहाँ पर, दूसरे में मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये आउट्रो, तो मैं यहाँ पे एक आउट्रो भी ऐड कर देता हूँ। क्योंकि हो सकता है मेरा जो बायर है या मेरी सर्विस जिसे चाहिए वो आउट्रो अपने यूट्यूब चैनल वगैरह या किसी भी वीडियो के लिए सर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक ऐड कर रहा हूँ। आपने क्या करना है कि उन तीनों में से कॉमन सर्च करना है। मैं एक अपनी तरफ से भी ऐड कर रहा हूँ इधर। 2D लोगो एनिमेशन एक यहाँ पर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैंने ऐड कर दिया। कस्टम एनिमेशन मुझे एक अच्छा लगा था तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे, प्राइसिंग की बात आएगी। प्राइसिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर दो तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑफ़र है कि आप सिंगल पैकेज ऑफर कर दें बेसिक, और एक है स्टैंडर्ड या प्रीमियम पैकेज के साथ इंक्लूड करें। तो मैं यहाँ पर आप पर करूँगा कि आप तीनों पैकेज देखें, क्योंकि उससे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है क्लाइंट की। तो अगर आप बेसिक पैकेज रखेंगे तो शायद आपको ऑर्डर मुश्किल मिले, मगर आप प्रीमियम में आप अपने तीन तरीके के डिफरेंट ऑप्शन आप उनके सामने रख सकते हैं, वो क्लाइंट जो भी चाहे अपनी मर्जी से परचेज कर सकता है। मैं यहाँ पर दोनों टैब क्लोज कर देता हूँ ताकि मैं एक ही गिग को फॉलो करके अपने पैकेज क्रिएट करूँ। अब आपने सबसे पहले पैकेज के जो नाम देने वो तो आपने यही देने हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। डिस्क्रिप्शन की बात आएगी तो आप इधर देख सकते हैं बेसिक 2D लोगो एनिमेशन दे रहा है, तो मेरी भी यही सर्विस है सेम, तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। आप यहाँ पर चेंजिंग भी करिएगा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने ये इसके स्टैंडर्ड की कॉपी करी, अब ये प्रीमियम की मैं डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ। आपने यहाँ पर, मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पर कुछ चेंजेस ज़रूर करनी है, क्योंकि आप अपने ऑफर के मुताबिक यहाँ पर सजेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पर 2 दिन आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिलीवरी 2 डेज रखें, बिकॉज समटाइम आप लेट हो जाते हैं, तो आपने प्रॉमिस उस चीज़ पर करना है जो आप कर सकते हैं वो कम। तो लोगो ट्रांसपेरेंसी में मैंने तीनों में एक्सेस कर दिए, क्योंकि मुझे लोगो एनिमेशन के लिए लोगो ट्रांसपेरेंसी चाहिए होगी। साउंड इफेक्ट वगैरह मैं किस किस पैकेज में, बेसिक को मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में मैं दूंगा। बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसमें मैं दूंगा, बेसिक में भी दूंगा, तो मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। लोगो डिज़ाइन में इसमें दूंगा तो मैंने टिक मार्क कर दिया। सोर्स फाइल में क्लाइंट को सिर्फ प्रीमियम में दूंगा, तो मैंने यहाँ पर
टिक करके। रिवीजन का मतलब आप उसे कितनी चेंजेस करके दे सकते हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अनलिमिटेड रहने दें, बिकॉज जो टॉप रेटेड सेलर है वो भी आजकल अनलिमिटेड ही रखते हैं फाइवर पर, तो आपने रिवीजन को तो अनलिमिटेड रहने देना है। अच्छा, यहाँ पर प्राइसिंग की बात करें तो मैं इसे अब देखूँ 175 प्रीमियम, 125 स्टैंडर्ड और 65 बेसिक। तो अब मैं यहाँ कॉम्पिटिशन में देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ बेसिक के, और स्टैंडर्ड के मैं 100 कर देता हूँ, और 150 कर देता हूँ मैं प्रीमियम के। आपने हमेशा टॉप रेटेड सेलर से कम प्राइस देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एड एक्स्ट्रा सर्विस। एड एक्स्ट्रा सर्विस में क्या है कि मैं इसमें एक्स्ट्रा क्या दे सकता हूँ। अब अगर किसी क्लाइंट को जल्दी डिलीवर करवाना है वर्क, बेसिक अगर वो परचेज करता है, तो मैं उसे एक दिन में करके दूंगा वर्क और $5 चार्ज करूंगा। स्टैंडर्ड में भी यही है, और प्रीमियम में मैं एक दिन में दूंगा और $10 चार्ज करूंगा। तो अब यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और FAQ। FAQ की फुल फॉर्म है फ्रिक्वेंटली यूज क्वेश्चन आंसर, मतलब अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। तो आपने यहाँ पे अब देख सकते हैं, पहले मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी करके, अब यहाँ पे आपने कुछ चेंजेस करनी है, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा बाद में गिग, पर आप लोगों ने इसमें पूरा पढ़ना है। इसमें AI फाइल वगैरह और उसकी रिक्वायरमेंट वगैरह दी है कि मैं आपको क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहा हूँ इसमें। इसमें आपने बिल्कुल डिस्क्रिप्शन को कॉपी नहीं करना, आपने यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस भी करनी है। डिस्क्रिप्शन में आपने ध्यान से इसमें चेंजेस करनी है, और आपने अपनी सर्विस के मुताबिक से फाइल वगैरह अगर कोई है लिखी हुई, तो आपने वो फाइल लिखनी है जो आप सर्विस में ऑफर कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का ऑप्शन दिखेगा। आपने यहाँ पर उन सवाल के जवाब देने हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं क्लाइंट की तरफ से। तो यहाँ पर अब मैं इस गिग की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर लिखे हैं FAQ। तो अब मैं इसे क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है कि आप 3D एनिमेशन भी करते हैं, तो अब इसके जवाब में है कि जी हाँ बिल्कुल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको क्या चीज़ चाहिए स्टार्ट करने के लिए, लिखा है कि आपको क्या चाहिए। क्लाइंट अगर पूछे कि आपको कौन सी फाइल चाहिए स्टार्ट करने के लिए, तो इसमें लिखा है AI ETF, कोई भी फाइल आप मुझे, PLC कोई भी फाइल आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें, मैं आपकी इसमें मदद करूँगा। तो मतलब आप ये बंदा अगर इससे कोई क्लाइंट डायरेक्ट ऑफर करता है कि मुझे एनिमेशन बनवाना है बट मेरे पास लोगो नहीं है, तो वो अपनी दूसरी सर्विस लोगो सर्विस भी सेल करेगा आपको कुछ पैकेज बना के। तो आपने भी इस तरीके के क्वेश्चन आंसर ज़रूर लिखने हैं, इनके बहुत फ़ायदे होते हैं। बिकॉज क्लाइंट को कुछ जगहों पे ये जवाब नहीं मिलते, तो वो आपकी गिग पे आके अगर उसको ये जवाब मिल जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है आपको ऑर्डर देगा। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आंसर ऐड नहीं कर रहा, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, बट आपने अपनी मर्जी से कुछ सवाल ऐड करने हैं यहाँ पर, एंड सेवन कंटिन्यू कर। अच्छा, ये भी यही है कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी बायर से, आपको आपको उधर बताएं। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँगा मैसेज में बिफोर प्लेसिंग योर ऑर्डर। अगर क्लाइंट मुझे डायरेक्ट ऑर्डर करता है, तो हो सकता है वो सर्विस चाह रहा हो जो मैं सेल नहीं करता, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कोई, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप ये रखें कि आप मुझे मैसेज करें, पहले बात करें और फिर ऑर्डर प्लेस करें। अब ये लास्ट स्टेप है, आपने इधर अपने वर्क सैंपल या अपनी कोई वीडियो अपलोड करनी है जिसमें आप बता रहे हो कि आप क्या क्या सर्विस ऑफर करते हैं, और क्या आप अपनी एक वीडियो बनाएं, शॉर्ट वीडियो 75 सेकंड की। विद इन 75 सेकंड आपने अपनी सारी सर्विसेज को बता देना है कि आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। एक प्रोफेशनल वीडियो बनाएं, कोई बैकग्राउंड वगैरह भी बिल्कुल सॉलिड कलर का कोई बैकग्राउंड हो, और उसमें आप अपनी कोई वीडियो बनाएं, और उसमें आप अपने सर्विसेज के मुताबिक बताएं। अगर आपके पास वीडियो बनाने का ऑप्शन नहीं है, तो आपने सेकंड क्या करना है कि आपने अपना सैंपल, अपना बनाया हुआ सैंपल अपलोड करना है, अदरवाइज आपको फाइवर की तरफ से स्ट्राइक आ जाएगी। और अगर फाइवर की तरफ से स्ट्राइक आ गई, तो आपका अकाउंट बैन होने के चांसेस होंगे। तो आपने यहाँ पर अपना ऑन वर्क अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पर अभी अपने लोगो एनिमेशन की वीडियो अपलोड करी है, मैंने खुद की अभी वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैंने लोगो एनिमेशन की वीडियो ऐड करी है, और मैंने अपना लोगो डिज़ाइन अपलोड किया है इस पर। यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछ भी रहा है कि ये वर्क आपका खुद का है, बिकॉज अगर ये वर्क आप किसी का कॉपी करके लगाएंगे, तो आपको स्ट्राइक आ जाएगी फाइवर की तरफ से, और आपका अकाउंट बैंड भी हो सकता है, क्योंकि दो स्ट्राइक के बाद बैंड हो जाता है। यहाँ पर ये जो लास्ट में ऑप्शन है, इसका मतलब ही यही है कि मैं इस चीज़ का ऑनर। तो फिर आपने पब्लिश गिग पर क्लिक करना है। आपका गिग फाइनली पब्लिश हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेयर का भी ऑप्शन आ गया। आप अपने गिग्स का लिंक अपने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन अकाउंट पर शेयर कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इंग्लिश किस तरीके से अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग के लिए आपको पता है कि डिफरेंट क्लाइंट से बात करनी पड़ती है, तो उसके लिए इंग्लिश लाजमी है।